मैं चाहता हूँ कि अपने जिस्म से खून के एक एक कतरे को बहते हुए महसूस करो तुम अपनी आखिरी सांस के लिए तड़पो। अखंड भारत के मार्ग में अलेक्जेंडर रूपी बाधा को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं उसकी जड़ महारानी ओलंपिया को ही पौरव राष्ट्र ले आया। यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं अपनी पूरी फौज के साथ जल्द से जल्द पौरव मुल्क पर कूच कर सकता हूं। अगर सुमेर की मौत का इंतकाम चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो। मेरा वादा है कि पोरस की मां अनुसुईया मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आओ पोरस, मैं इंतजार में हूं, मुझे तुम्हारा लहू चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू पोरस, अब मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं। 10 दिन है तुम्हारे पास शाही दस्यु इस पुल को मुकम्मल बनाने में, मतलब ये हर बीतता पल तुम्हारे लिए मुश्किलात ला सकता है। अपने दिन गिनना शुरू कर दो पोरस, मैं आ रहा हूं। अब तुम हमें तक्षशिला में सिकंदर के प्रमुख तैनातियों के विषय में जानकारी दो, और फारसी सेना जो सिकंदर की सहायता कर रही है मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ तैनात है। पोरस को तो एहसास भी नहीं होगा कि उसके अपने दस्यु ही इस पुल को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आज हम लड़ेंगे अपनी मातृभूमि की अस्मिता के लिए, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू की अंतिम बूंद ना शेष रह जाए। हमारी फौज को हुक्म दो कि ये चौकन्ने रहे, क्योंकि अगर आज रात पोरस ने हमला किया तो वो पूरी तैयारी के साथ करेगा। बहुत हुआ पोरस, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। बुरु, या तो मेरे साथ दिल और जोश से लड़ो या पौरव मुल्क लौट जाओ। चौंको मत, क्योंकि अब तुम लोग जियोगे भी अलेक्जेंडर के साथ और मरोगे तो भी अलेक्जेंडर के साथ। जब बेटे का बल काम नहीं आया तो माँ छल करने पे आ गई मेरे पुत्र पर। ताला जादू करने वाली थी तुम। इसके पहले कि यह खबर पर्शिया तक पहुंचे कि बारसीन और उसका कुनबा पोरस के पास है, मैं पोरस पर हमला करना चाहता हूं। अपने सिपाही और जासूस मुस्तैद करो अंबिराज।